हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओनर्स इंग्लिश। आज हम फेमस ज्यूस वाइट निजी म्यूजिकल के द्वारा लिखी गई एक पोइम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पोइट लवर बर्ड वॉचर। इस पोइम में 2 स्टैंजाज है और 20 लाइन्स है। इस पोइम के अंदर उन्होंने पेशेंस को मेन थीम में रखा है। वो कहते हैं कि पोइट लवर और बर्ड वॉचर तीनों को ही पेशेंस रख कर अपना काम करना चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं कि यदि पोइट पेशेंस रखकर अपनी पोएम बनाएगा तो उसकी पोएम बहुत अच्छी बनेगी, और एक लवर अपने प्यार में पेशेंस रखेगा तो उसे प्यार में कभी धोखा नहीं मिलेगा, और एक बर्ड वॉचर जो होता है, पक्षियों को निहारने वाला आदमी जो होता है, उसे पक्षियों को जानने के लिए पेशेंस रखनी पड़ेगी। तो चलिए, इसे पढ़कर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। हम हमारी पोएम को शुरू करते हैं। टू फोर्स द पेस, यानी कि अपनी गति को तेज़ करने से, एंड नेवर टू बी स्टिल, और कभी भी ना रुकने से, इज़ नॉट द वे ऑफ दोज, ये उन लोगों के लिए सही नहीं है हु स्टडी बर्ड्स, जो पक्षियों को जानना चाहते हैं, और वुमेन या फिर किसी औरत को जानना चाहते हैं। यानी कि पोइट इसके अंदर यही कहना चाहते हैं, जो लोग पक्षियों को और किसी औरत को गहराई से जानना चाहते हैं तो उन्हें पेशेंस रखनी होगी, उन्हें जल्दी जल्दी में कुछ नहीं करना चाहिए। द बेस्ट पोइट्स वेट फॉर वर्ड्स, जो सबसे बेस्ट पोइट होते हैं वो हमेशा अपने दिमाग में वर्ड्स आने का, शब्द आने का इंतज़ार करते हैं। द हंट इज़ नॉट एन एक्सरसाइज ऑफ विल, यानी कि किसी भी चीज़ को पाना हमारी चाहत की बात नहीं है, यानी कि हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। बट पेशेंट लव रिलैक्सिंग ऑन हिल, लेकिन इसके लिए हमें किसी पहाड़ी पर जाना होगा। टू नोट द मूवमेंट ऑफ ए टिमिड विंग, कि छोटे पक्षी के पंखों को फड़फड़ाते हुए जो मूवमेंट्स उसके अंदर होते हैं उनको देखने के लिए हमें आराम से किसी पहाड़ी पर जाकर बैठना होगा। अनटिल द वन वो नाउस दैट सी इज़ लव्ड, और यह सब आपको तब तक करना होगा जब तक आपको पता नहीं चल जाता कि वो जो जिस लड़की से आप प्यार करते हैं वो लड़की भी आपसे प्यार करती है या नहीं। नो लॉन्गर वेट्स बाय रिस्क सराउंडिंग, और उसके बाद आपको ज़्यादा समय तक वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद आपके प्यार में पढ़ने के लिए खुश हो जाएगी। इन दिस द पोइट फाइंड्स ए मोरल प्रूव्ड, वो नेवर स्पोक बिफोर हिज स्प्रिट मूड, इसीलिए पोइट को भी नैतिक नियमों को अपनाना चाहिए, यानी कि अपनी पोएम के लिए अच्छे वर्ड्स का वेट करना चाहिए कि उसके दिमाग में कोई अच्छे वर्ड्स आएंगे फिर वो अपनी पोएम को लिखेंगे, और वो पोइट तब तक अपनी पोएम को किसी के सामने नहीं लाता जब तक उसकी खुद की आत्मा सेटिस्फाई नहीं हो जाती। बट स्लो मूवमेंट सिम्स, लेकिन जो धीमी गति है वह भी ऐसी लगती है सम हाउ, जैसे कि टू से मच मोर, कि इससे ज़्यादा भी वह कुछ कहना चाहती है। टू वॉच द रेयर बर्ड्स, कि रेयर बर्ड्स को देखने के लिए, दुर्लभ पक्षियों को देखने के लिए, यू हैव टू गो अलोंग डेजर्ट लेन्स, आपको जाना पड़ेगा किसी सुनसान सड़क के पास। एंड वेयर द रिवर्स फ्लो, जहाँ से नदियाँ होकर गुजरती है, इन साइलेंस नियर द सोर्स, बहुत ही शांति से, बहुत ही धीमी गति से, अपने सोर्स से, अपने स्रोत से निकलकर, और बाय ए श्योर, किसी किनारे से होते हुए, रिमोट एंड थोर्नी, यानी कि बहुत दूर और कांटेदार, लाइक द हार्ट्स डार्क फ्लोर, यानी कि दिल की अंधेरी मंजिल जैसी, जहाँ जाना मुश्किल हो, आपको ऐसी जगह पर जाना पड़ेगा। एंड देयर द वुमेन, और तब जो औरतें हैं स्लोली, धीरे से, टर्न अराउंड, मुड़ जाती हैं आपकी ओर। नॉट ओनली फ्लश एंड बोन, केवल मांस और हड्डी से ही नहीं, यानी कि औरत जो है वो आपकी ओर मुड़ जाती है केवल अपनी फ्लश से ही नहीं। बाय मिथ्स ऑफ लाइट, यानी कि उसके अंदर जो रहस्य छुपे होते हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे। विद डार्कनेस एट कोर, और वो आपसे अपने दिल के कोने से, यानी कि अपने दिल से, सच्चे दिल से प्यार करेगी, दिल की गहराई से प्यार करेगी, आपको दिल से अपनाएगी। एंड सेंस इज फाउंड बट पोइट्स लॉस्ट इन क्रूक्ड, और जब कोई पोइट जो होता है वो वर्ड्स को तोड़ता मरोड़ता है, रेस्टलेस फ्लाइट,
और अपनी असीमित उड़ान भर लेता है, सेंस इज फाउंड, तो उसे एक बहुत अच्छी पोइम मिलती है। यानी कि जो पोइट अपनी दिमाग के अंदर वर्ड्स को तोड़ता मरोड़ता है, बहुत ज़्यादा सोचता है वर्ड्स के बारे में और फिर पोइम बनाता है, तो सेंस ऑफ फाउंड मतलब उसे एक अच्छी पोइम मिलती है। द डीप कैन हियर, जिसे एक बहरा सुन सकता है, द ब्लाइंड रिकवर साइट, और उसके अंदर पोएम के अंदर जो दृश्य है वो एक जो अंधा आदमी है वो महसूस कर सकता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।